नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होते ही ट्रैफिक विभाग भी सख्ती से रूल्स को लागू करवाने के लिए सड़कों पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो ये नियम हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम अपने परिवार के पास सही सलामत घर पहुंच जाएं। इसी के संदर्भ में आज जम्मू के जीवल चौक में ट्रैफिक विभाग द्वारा नाका लगाया गया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते नजर आए। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या ओवरलोडिंग करने वालों को रोक कर चलान काटे गए और उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया गया, क्योंकि कभी कभी एक गलती या कह सकते हैं एक छोटी सी गलती हमारे साथ साथ दूसरों पर भी भारी पड़ सकती है। इस मौके पर मौजूदा DTI ने बताया कि रूटीन तौर पर ऐसे नाके लगाए जा रहे हैं और विजिबल ऑफेंसेस करने वालों के खिलाफ चलान काटे जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब वक्त है कि एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को निभाया जाए। रूटीन नाका है हमारा, रूटीन चेकिंग चल रही है, ऑल विजिबल ऑफेंसेस जो भी विजिबल ऑफेंसेस में हमें नजर आ रहे हैं उन्हें चलान दे रहे हैं। अभी कम से कम तब जॉइंट नाका है हमारा, तो मिला के हमें लग रहा है कि 20 से 25 तक चलान हमने अभी कर रहे हैं। सर अक्सर ये देखा जाता है कि जिन बच्चों को लाइसेंस भी इशू नहीं होता, माँ बाप उनको भी गाल लोग दे देते हैं, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को जब तक लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक उनको गाड़ियाँ ना दें। नहीं तो इसमें वो भी जानते हैं, अगर वो बच्चा 18 साल से कम है, इसमें अभी एक लेटेस्ट वर्डिक्ट भी आया है जिसमें 25,000 रुपये फाइन और 3 साल की सजा है, 199 ले सकते हैं। क्या इस तरह की कार्रवाई करूँगा? बिल्कुल, जो भी इसमें कार्रवाई हुई है हमने जो विदाउट बच्चा किसी का भी लाइसेंस है उसमें जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करके सर अक्सर इस तरह की शिकायतें भी आती हैं कि अगर बाइक पे अगर दो लोग सवार हैं तो बाद में वो ये कहते हैं कि ये रास्ते से चढ़ा था। देखिए मैं तो यही कहूँगा, देखिए कि ये बोले कि मेरे रास्ते से चढ़ा था, अगर आपके पास हेलमेट है तो आप लिफ्ट दीजिए, अगर हेलमेट नहीं है तो आप उसको लिफ्ट ना दीजिए, क्योंकि उसमें आप ही को फाइन होगा। परंतु कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं सामने, या कह सकते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो चलान कटने पर काफी विरोध जताते हैं। ऐसा भी आज देखने को मिला जब एक मेट्रो ड्राइवर का रेड लाइट जंप करने पर चलान काटा गया। ड्राइवर ने आरोप लगाया कि जानबूझकर चलान काटा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा कि उसके द्वारा रेड लाइट को जंप नहीं किया गया था। पर एक सवाल आज सभी से कि क्यों नहीं हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझते और ट्रैफिक नियमों का पालन करते? अगर पालन किया जाएगा तो चलान नहीं कटेगा। और इसके साथ साथ ये भी सवाल है कि क्यों नहीं लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहते हैं? क्या कोई अवेयरनेस की कमी है या जानबूझकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। जम्मू से रोमी केरनी की रिपोर्ट।